हाड़मेर से बड़ी खबर है। नाकेबंदी के दौरान ग्रामीण पुलिस पर फायरिंग की सूचना। भाटखा में नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने स्कॉर्पियो रुकवाई थी। स्कॉर्पियो में सवार लोगों द्वारा फायरिंग करने के बाद भी सामने आ रही है। ग्रामीण थाना अधिकारी सवाई सिंह भी नाकेबंदी के दौरान उपस्थित थे। जिले भर में नाकाबंदी कर अलग अलग टीमें स्कॉर्पियो का पीछा कर रही हैं। फायरिंग से किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं होने की भी सूचना मिल रही है और बदमाशों पर लगाम लगाने की लगातार राजस्थान पुलिस कार्य कर रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखना ये पहला लक्ष्य है। राजस्थान पुलिस का डीजीपी उमेश मिश्रा भी इसको साफ कर चुके हैं कि बदमाशों की धरपकड़ में न सिर्फ जिलेवार राजस्थान पुलिस कार्य कर रही है बल्कि एक जिले की पुलिस दूसरी जिले में भी जाकर कार्रवाई को अंजाम दे रही है और सहयोग जिस तरह से जारी है लगातार। कोशिश यही है, जो स्लोगन है आमजन में विश्वास अपराधियों में भय, उसके तहत कार्य करती हुई। बाड़मेर नाकेबंदी के दौरान ग्रामीण पुलिस पर फायरिंग की सूचना मिल रही है। भाटखा जहां नाकेबंदी की गई थी और इस दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो को रुकवाया था लेकिन अब बदमाशों ने इसका फायदा उठाया। स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने फायरिंग कर दी। हमारे साथ सहयोगी अशोक शेरा जुड़ गए। अशोक, जानकारी दीजिएगा कब की पूरी घटना है, कितने बदमाश बताया जा रहा है स्कॉर्पियो में सवार। अशोक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? ठीक है अशोक, ना अभी थोड़ी देर पहले की बताई जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि लगातार जो है अपराधों में कमी लाने के लिए लगातार पुलिस जो है वो सक्रिय मोड पर है और अलग अलग जगहों पर जो है अवैध वाहन चलते हैं, अवैध प्रकार की जो ऐसा तस्करी होती है उसकी रोकथाम के लिए नाकाबंदी की जाती है। आज शाम को बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र के भाटखा के पास जो है पुलिस की नाकाबंदी थी। वहां पर जो ग्रामीण थाना अधिकारी वहां पर थे और अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो काले सीसी की गाड़ी थी, बिना नंबरों की स्कॉर्पियो गाड़ी बताई जा रही है। वो स्कॉर्पियो गाड़ी वहां पर आती दिखी तो पुलिस ने उसको रोकने के प्रयास किए। इस दरमियान स्कॉर्पियो में जो सवार लोग थे उन्होंने फायरिंग की, ऐसी सूचना मिली थी जिसके बाद तमाम जिले भर के अलग अलग पुलिस थानों को भी सूचित कर दिया गया है और जो नाकाबंदी करके जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उसको पुलिस जो है उसके पीछे पीछा कर रही है और उनको पकड़ने के प्रयास कर रही है। जी अशोक, एक जानकारी ये भी दीजिएगा क्योंकि स्कॉर्पियो में सवार बदमाश थे, नाकेबंदी की गई। अच्छा, नाकेबंदी जब की गई थी तो उस दौरान किस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई थी और क्योंकि बदमाशों को पहले से इसकी जानकारी थी, क्या जो बदमाश हैं उनके ऊपर कौन कौन सी धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं थाना में? देखिए, अभी तक जो बदमाश कौन है, कहाँ के थे और क्या उन्होंने फायरिंग क्यों की है, इसको लेकर कोई स्पष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि पुलिस की पकड़ में जो बदमाश है वो अभी तक नहीं आए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की जो टीमें हैं वो अलग अलग रूप से गठित की गई हैं और जो बदमाश है उनका लगातार पीछा किया जा रहा है। और हालांकि जो फायरिंग की है जिससे किसी प्रकार की कोई नुकसान की भी बात नहीं सामने आ रही है और ये पुलिस इस बात को लेकर कोशिश कर रही है कि संभवतः जो बदमाश थे स्कॉर्पियो में सवार थे उनके पास अवैध मादक पदार्थ भी हो सकते या फिर कोई अन्य ऐसी सामग्री हो सकती है जिसके कारण उन्होंने पुलिस की नाकाबंदी के दौरान गाड़ी नहीं रोकी हो और उस पर पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की, जिसके बाद से पुलिस जो है उनका पीछा कर दी थी। बिल्कुल, और अशोक, जिस तरह से लगातार राजस्थान पुलिस कार्य कर रही है लगता है कि जल्द ही बदमाश गिरफ्त में होंगे। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए अशोक, जानकारी देने के लिए।